जुजुत्सु काइसेन एपिसोड नंबर 7। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माहितो और मैकामारु एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैकामारु सोचता है कि मेरे यहाँ से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, जो है साटोरू गोजो। अगर मैं साटोरू को शिवैया प्लान के बारे में बता दूंगा तो साटोरू मुझे बचा लेगा, पर मुझे सबसे पहले माहितो को खत्म करना होगा। ऐसा सोचकर मैकामारु अपने एक साल की इकट्ठा की हुई कर्स एनर्जी का यूज करके एक लेजर फायर करता है, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट होता है। हम देखते हैं कि माहितो लेजर के अटैक से बच तो जाता है, पर उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा जल जाता है। माहितो कहता है, अब मुझे समझ आया कि तुम मुझ पर लगातार हमला करके मेरी कर्स एनर्जी को खत्म करना चाहते हो। चलो देखते हैं कि पहले कर्स एनर्जी किसकी खत्म होगी, मेरी या तुम्हारी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैकामारु माहितो पर हमला करता है, पर माहितो बच जाता है। मैकामारु सोचता है कि मैं रोबोट के हमले से माहितो की सोल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं। ये बात माहितो ने भी मेरे पिछले हमले से जान ली थी। उसके बाद मैकामारु लगातार माहितो पर हमला करता है, पर माहितो बच जाता है। मैकामारु आगे माहितो का पीछा करते हुए ब्रिज को तोड़ देता है, पर माहितो भी मछली बनकर पानी में छुप जाता है। उसके बाद मैकामारु अपनी बचाई हुई 2 साल की कर्स एनर्जी का यूज करता है और एक और बड़ा हमला करता है, पर माहितो इससे भी बच जाता है। मैकामारु कहता है, मुझे पता था कि माहितो तुम हमला करना नहीं छोड़ोगे। इसी का फायदा उठाकर मैकामारु एक डिवाइस माहितो के ऊपर लगाने की सोचता है। आगे माहितो वापस से इंसानी रूप में आकर मैकामारु के रोबोट को एक जोरदार पंच मारता है। मैकामारु सोचता है कि अगर मैंने ज्यादा देर की तो रोबोट का आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा सोचकर मैकामारु रोबोट के अंदर डिवाइस को शूट करने के लिए रेडी करता है। मैकामारु कहता है, मेरे पास बस 4 मौके हैं, पर मुझे ये पहली बार में ही करना होगा। मैकामारु माहितो पर अपना टारगेट लॉक करता है और माहितो पर शूट कर देता है। जैसे ही डिवाइस माहितो के हाथ पर जाकर लगता है, माहितो का हाथ फट जाता है। माहितो ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तभी मैकामारु एक जोरदार किक मारता है, जिससे माहितो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। माहितो देखता है कि मैकामारु के हमले से उसकी सोल का पार्ट भी डिस्ट्रॉय हुआ है। जैसे ही मैकामारु वापस से हमला करता है, मैकामारु चिड़िया बनकर वहां से उड़ जाता है। मैकामारु देखता है माहितो का हाथ वापस से हील हो गया है, पर मैकामारु समझ जाता है कि माहितो की सोल का पार्ट डिस्ट्रॉय हुआ है। माहितो ने बस सोल को एडजस्ट किया है, जिससे उसे लगे कि उसका हाथ हील हो गया है। आगे दिखाया जाता है कि गेटो दूर से दोनों की फाइट देख रहा होता है। गेटो सोचता है, मैकामारु बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ पा रहा है, यहाँ तक कि मैकामारु कुछ समय के लिए ही पर स्पेशल ग्रेड जितनी कर्स एनर्जी रिलीज कर पा रहा है। इसका मतलब मैकामारु जानता है कि माहितो को कैसे हराना है। अगले सीन में मैकामारु 5 साल के जितनी कर्स एनर्जी यूज करके एक और जोरदार अटैक करता है। इस अटैक में बीम्स माहितो का पीछा करने लगती हैं। माहितो बार बार अपना रूप बदलकर उन बीम्स से बचने का ट्राई करता है, पर बीम्स लगातार माहितो के पीछे ही आ रही होती है। माहितो सोचता है, मैकामारु का कौन सा हमला था जिससे उसकी सोल को नुकसान पहुंचा था। इसके बाद माहितो मैकामारु के रोबोट के ऊपर जाकर उसकी वायर काट देता है, जिससे रोबोट थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है और मैकामारु के बीम्स रोबोट को ही हिट कर देती है। पर हम देखते हैं कि मैकामारु माहितो को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे माहितो दूर जाकर गिरता है। मैकामारु सोचता है, यही मौका है, मैं फिर से अपना हमला कर सकता हूँ। मैकामारु सोचता है कि मैं बहुत ही जल्दी सभी लोगों से मिल पाऊंगा, मैं ये फाइट जीत सकता हूँ। जैसे ही मैकामारु हमला करने वाला होता है, माहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन यूज करता है, जिसमें बहुत सारे हाथ माहितो के मुंह से निकल कर मैकामारु और उसके रोबोट को कैद कर लेते हैं। हम देखते हैं कि माहितो के सामने मैकामारु का रोबोट जमीन पर पड़ा होता है। माहितो कहता है कि अब सब खत्म हो गया है, तो मैं भी अब समझ आ गया होगा। माना कि मैं तुम्हारी बॉडी को छू नहीं सकता हूँ, पर मेरे डोमेन के अंदर आने के बाद उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैकामारु का रोबोट बंद पड़ चुका होता है। मैकामारु अंदर बैठे बैठे सोचता है कि मेरे लिए यही सबसे सही मौका है, मैं अपना कर्स अब माहितो पर यूज कर सकता हूँ। माहितो आगे मैकामारु से कहता है, तुम्हें क्या लगा था मैं डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं करूंगा?
अभी हेलोइन में 10 दिन बाकी है, मैं बड़ी ही आसानी से खुद की कर्स एनर्जी को हील कर लूंगा। मैकामारू रोबोट के अंदर बैठे बैठे सोचता है, मेरे पास अभी 2 डिवाइस हैं। ये सब हेयान पीरियड में शुरू हुआ था, उस समय कर्स टेक्निक बहुत ही ज्यादा विकसित हो गई थी। बुरे कर्स यूजर या कर्स स्प्रिट से खुद को बचाने के लिए सदास्तोना आसिया ने एक टेक्निक बनाई थी। बाइंडिंग बाओ की वजह से ये टेक्निक जनरेशन टू जनरेशन पास होती आई है और लीक नहीं हुई है। बाइंडिंग बाओ का मतलब है बंदकारी प्रतिज्ञा, यानी कि सीक्रेट तरीके से इसको पास डाउन किया गया है। इस टेक्निक का यूज करके यूजर किसी भी डोमेन से बच सकता है। हम देखते हैं कि माहितो आगे जा रहा होता है, तभी मैकामारू का रोबोट उठकर माहितो पर डिवाइस से हमला करता है, जिससे माहितो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ये देखकर माहितो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। मैकामारू इस टेक्निक का नाम सिंपल डोमेन बताता है। मैकामारू के अटैक से माहितो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और माहितो का डोमेन भी टूट जाता है। गेटो मैकामारू की टेक्निक देखकर कहता है, अच्छा ये सिंपल डोमेन है जो किसी भी तरीके की कर्स एनर्जी को रोक सकता है। यहाँ तक कि साटोरू गोजो को भी इस टेक्निक से नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इसके बाद गेटो इस टेक्निक को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है। अगर हम कर्स एनर्जी को डोमेन के अंदर से ही इस्तेमाल करें तो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए माहितो की सोल को इतना नुकसान पहुंचा है। मैकामारू आगे गेटो को चैलेंज करते हुए कहता है कि माहितो को तो मैंने खत्म कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। मैकामारू सोचता है कि मेरे पास अभी भी एक सिंपल डोमेन और 9 साल के जितनी कर्स एनर्जी बाकी है, इससे मैं गेटो से लड़ सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि माहितो मैकामारू के रोबोट के पीछे से हमला करके रोबोट के अंदर बैठे मैकामारू पर अटैक करता है, जिससे मैकामारू बहुत घायल हो जाता है। मैकामारू एकदम से चौंकते हुए कहता है, क्या मैं माहितो को मारने में नाकामयाब हो गया हूँ? कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी एक सिंपल डोमेन बाकी है, ये मैं खुद माहितो के अंदर घुसेड़ दूंगा। इसके बाद मैकामारू अपने एक दूसरे रोबोट के अंदर चला जाता है और माहितो पर हमला करता है। माहितो लगातार मैकामारू पर हमला करता है, पर मैकामारू बचते हुए माहितो पर आगे से हमला करता है। हम देखते हैं कि माहितो बुरी तरीके से हंस रहा होता है और उसकी बॉडी जलते जलते थोड़ी थोड़ी हील हो चुकी होती है। जैसे ही मैकामारू माहितो के करीब पहुंच जाता है, मैकामारू खुद सामने से आकर माहितो पर हमला करता है। अगले सीन में हम मैकामारू की दोस्त मीवा पर स्विच करते हैं। मीवा मैकामारू के पपेट के साथ बैठी होती है। मीवा उससे कहती है, क्या मैं तुमसे कभी मिल पाऊंगी? हमने जो बेसबॉल इवेंट टोक्यो जुत्सु हाई के साथ खेला था, मैं उसमें लोगों से अच्छे से मिल पाई थी, पर मुझे उनके ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। क्या पता कब कौन रहे या ना रहे, पर हम दोनों के बीच जो भी है मुझे वो पसंद है। मैं तुम्हारे और करीब आना चाहती हूँ और एक दिन मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। आगे हमें दिखाया जाता है कि माहितो मैकामारू को मार देता है। गेटो माहितो से कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा जोखिम भरा था? जिस पर माहितो कहता है, नहीं, ये सब तो मेरे प्लान का था। पहले मैंने खुद मरने का नाटक किया और उसके बाद डोमेन हटा दिया, जिससे मैकामारू को लगे कि मैं मर चुका हूँ, बस उसके बाद उसे खत्म करना बचा था, पर इससे हमें सिंपल डोमेन देखने को मिला। गेटो आगे कहता है, मेरा बैरियर भी अब हट चुका है। हमें वहाँ पर गेटो के हाथ में एक कर्स ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है, जिसका यूज करके गेटो ने बैरियर डाला था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग टोक्यो की शिबुया सिटी में 31 अक्टूबर 2018 को हैलोवीन मनाने के लिए दूर दूर से आते हैं, जहां पर शाम के 7 बजे कोई कर्स यूजर या कर्स स्प्रिट टोक्यो डिपार्टमेंटल के 400 मीटर रेडियस में एक बैरियर डाल देता है, जिसके बाद उसमें कैद सभी लोग वहां से गायब हो जाते हैं। आगे जब जुजुत्सु सोर्सरर उस एरिया की जांच पड़ताल करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये बैरियर केवल नॉर्मल इंसानों को पकड़ने के लिए डाला गया है, जिसमें इंसान आराम से घुस सकते हैं पर बाहर नहीं आ सकते, पर सारे जुजुत्सु सोर्सरर बड़ी ही आसानी से आ जा सकते हैं। इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए 3 सोर्सरर केंटो नानामी, मैगुमी फुशिगोरो और तीसरा न्यू कैरेक्टर टाकुमो इनो को बुलाया जाता है। आगे हमें ये भी बताया जाता है कि बैरियर के अंदर सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस काम नहीं करेंगे, क्योंकि बैरियर
रेडियो बीप्स को ब्लॉक कर रहा होता है। हमें नए कैरेक्टर इनो के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है जो कि कर्स एनर्जी के बारे में बहुत कुछ जानता है। ये सब सुनने के बाद नानामी जुजुत्सु हाई के लोगों से पूछता है आखिर गोजो कहाँ है। अगले सीन में हमें और सुरसर दिखाई देते हैं जिसमें नाओबिता जेनिन, माँ की जेनिन और कुगीशा की नोबारा होती है। जुजुत्सु हाई के लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ कुछ तो खतरनाक हुआ है। लोग बैरियर के किनारे पर भागने की कोशिश कर रहे थे। हमें जल्दी ही गोजो को यहाँ बुलाना होगा, जिस पर नाओबिता कहता है जो लोग नॉन जुजुत्सु सोर्सरर हैं उन्हें गोजो के बारे में कैसे पता है। जरूर तुम में से किसी ने बताया होगा, पर खैर छोड़ो, क्या हम बैरियर को तोड़ नहीं सकते, जिस पर उन्हें लड़की बताती है ये बैरियर जुजुत्सु सोर्सरर को रोक नहीं सकता है, तो इस पर फोर्स का यूज करने से कुछ नहीं होगा। जिस पर नोबारा कहती है हमें उसे पकड़ना चाहिए जिसने ये बैरियर डाला है। जिस पर माकी कहती है तो तुमने हमें इसीलिए बुलाया है क्या। जिस पर वो लड़की मना करते हुए कहती है नहीं नहीं आप लोग थोड़ा रुक जाएं। आगे हमें बताया जाता है कि पांडा भी उसी जगह आ रहा होता है। पांडा एक और कर्स यूजर आत्सुया कुशाकाबे के साथ होता है। वो पांडा को बताता है ये काम भी उन्हीं लोगों का है जिन्होंने हम पर पहले हमला किया था। जुजुत्सु हाई के लोग डैमेज को कम से कम करने के लिए डिसाइड किया है कि साटोरू गोजो अकेले ही बैरियर के अंदर हमला करेगा और उससे जो भी बचकर बाहर आएंगे उन्हें हम लोग देख लेंगे। जिस पर पांडा कहता है तो मैंने लगता कि डैमेज को कम से कम करने का मतलब यहाँ पर जुजुत्सु सोर्सरर को बचाना है। जिस पर आत्सुया कहता है अब इसका कुछ नहीं कर सकते, पर ये प्लान सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। पिछली साल क्रिसमस पर भी ऐसा कुछ हुआ था, अब इसे रोक तो नहीं सकते हैं। इसके अलावा मैं बैरियर के अंदर जा चुका हूँ, काफी शांति है वहाँ, बस लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। मुझे वहाँ पर वैसे तो कोई कर्स स्प्रिट दिखाई नहीं दी, पर मैं उस बैरियर के अंदर वापस से नहीं जाना चाहता हूँ। जिस पर पांडा पूछता है ऐसा क्यों है। वो आगे बताता है कि मुझे लगता है कि इस जगह को हेकारी कहते हैं। इस जगह के नीचे बहुत सारी स्पेशल ग्रेड कर्स का झुंड है। अगले सीन में बैरियर के अंदर फंसे लोग साटोरू गोजो को आवाज दे रहे होते हैं, जिस पर एक इंसान दूसरे से पूछता है कि गोजो कौन है। जिस पर दूसरा इंसान कहता है कि मुझे क्या पता कौन है, हमें बोला गया है कि जब तक साटोरू गोजो यहाँ नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से नहीं जा सकते। सभी लोग थोड़े डरे हुए होते हैं। एक इंसान कहता है जितने भी लोग एकदम बीच में थे उन्हें स्टेशन के अंदर एक झटके में खींच लिया। सभी लोग ये सब बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर साटोरू गोजो की एंट्री होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।